फाउंडेशन इस वीडियो में एक्सरसाइजरस्टैंडिंग आईसीएस अग्रवाल वी विल सॉल्व क्वेश्चनल नंबर बिटवीन टू बाई नाइन एंड थ्री अपॉन एट एंड अरेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू अपॉन नाइन और वन अपॉन एट के बीच में हमें केवल एक रेशनल नंबर फाइंड करना है और इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बहुत आसान है यदि हमें एक निकालना है तो हमें आसानी से दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं और रेशनल नंबर बिटवीन टू बाई नाइन एंड थ्री बाई एट इज टू बाई नाइन लिखिए फिर इसमें ऐड कर दीजिए थ्री अपन एट और टू से डिवाइड कर दीजिए एक्चुअली हम यदि नंबर लाइन पर देखें इस बात को तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इस तरीके से देखिए यहाँ पर है टू बाई नाइन और यहाँ है थ्री अपान एट इन दोनों के बीच में जो नंबर होगी वह इन दोनों को ऐड करने के बाद और टू से डिवाइड करने के बाद निकल जाएगा वही हम यहाँ पर करने वाले हैं तो अस सी क्या आंसर आता है यहाँ सॉल्व करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर नाइन और एट का एल्शियम लेंगे सेवेंटी टू नाइन एट जय जा, एंड एट सिक्सटीन जा, प्लस एट नाइन नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन ओके सो हमारा ये आएगा उसके बाद डिवाइड करना है टू से होल अपन टू सो so, हमें मिल गया एक नंबर जो यहाँ पर लाई करेगी बीचों बीच में मतलब यहाँ पर जो नंबर होगी फोर्टी थ्री अपन वन फोर्टी फोर होगा अब हमें इसे अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में तो पहले पहले हम ये नंबर लिखेंगे फिर ये फिर ये राइट नाइन दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर एंड दिस इज द नंबर विच इज बिटवीन दिस एंड दिस. क्वेश्चन नंबर टू इज इंसर्ट टू रेशनल नंबर बिटवीन वन बाई थ्री एंड वन बाई फोर एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर तो वन बाई थ्री एंड वन बाई फोर के बीच में निकालना हमें तो देखिए यहां नंबर लाइन हमने खींच दिया यहां पर और यहाँ पर रिप्रेजेंट करते रहेंगे ताकि हमें दिखाई दे कि हम क्या निकाल रहे हैं कहाँ से निकाल रहे हैं ठीक है देखिए वन बाई फोर हम पहले यहाँ नोट कर लेते हैं क्योंकि वन बाई फोर छोटा है वन बाई थ्री से तो वन बाई थ्री यहाँ ले लेते हैं अब हमें दो नंबर्स बस निकालने हैं टू रेशनल नंबर्स तो सबसे पहले हम इसके मिडिल पॉइंट को निकालेंगे दिस पॉइंट दोनों को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे सो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन वन बाई फोर एंड वन बाई थ्री इज़ वन अपान फोर प्लस वन अपान थ्री डिवाइडेड बाई टू तो हमें मिल जाएगा फाइनली सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर तो सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर इज द फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन वन बाई फोर एंड वन बाई थ्री अब हमें एक और निकालना है तो या तो हम इस नंबर और इस नंबर के बीच में निकाल लें या फिर ये नंबर और ये नंबर के बीच में निकाल लें तो इसको निकाल लेते हैं हम इसको निकालने के लिए हमें वन बाई फोर और सेवन बाई ट्वेंटी फोर को ऐड करना होगा और फिर यहाँ निकलेगा थर्टीन अपन फोर्टी एट थर्टीन अपान फोर्टी एट ये नंबर है थर्टीन अपॉन फोर्टी एट तो यहां पर हमने दो नंबर्स फाइंड कर लिए है अब हमें क्या करना है कि इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो में यहां पर है ही थ्री तो दिस इज योर करेक्ट आंसर दिस इज द करेक्ट सिक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिज नंबर्स ओके क्वेश्चन नंबर थ्री इज इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस वन अपॉइंट थ्री एंड माइनस वन अपॉइंट टू एंड अरेन्ज इन असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर लाइन पर इन दोनों को रिप्रेजेंट कर लेंगे ताकि आसानी से सब दिखने लगे कि कहाँ पर हम कौन सा नंबर निकाल रहे हैं तो देखिए इन दोनों में छोटा कौन है माइनस वन अपॉइन टू छोटा है माइनस वन अपान थ्री से सो माइनस वन अपॉइन टू यहां पर लिख लेते हैं और माइनस वन अपॉइन थ्री यहां

क्या मिलेगा यहां पर सॉल्व करते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस फाइव अपॉइन्ट आपका ये नंबर आ गया। अब हमें एक और निकालना है दिस इज द फर्स्ट वन सेकेंड वन निकालने के लिए हम माइनस वन अपॉइंट टू और माइनस फाइव अपॉइन्ट ट्वेल्व इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे ये वाला नंबर या फिर आप ये भी फाइंड कर सकते हैं बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस रेशनल नंबर सो माइनस वन अपान टू एंड माइनस वन अपान थ्री के बीच में सेकेंड रेशनल नंबर इन दोनों को ऐड करने के बाद और टू से डिवाइड करने के बाद मिल जाएगा सो वी विल तो हमें फाइनली आंसर क्या मिलेगा देखिए माइनस सिक्स और माइनस फाइव हो जाएगा माइनस इलेवन अपान ये ट्वेल्व में डिवाइड करेंगे टू से तो मिल जाएगा हमें माइनस इलेवन अपान ट्वेंटी फोर तब हमें मिल गया माइनस इलेवन अपन ट्वेंटी फोर इज द सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन

फाइव एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन और नंबर लाइन पर पहले हम इन नंबर्स को नोट कर लेंगे तो यहां पर वन अपन थ्री ले लेते हैं क्योंकि ये छोटा नंबर है वन अपॉन थ्री इज लेस देन फोर अपन फाइव और यहाँ ले, ले लेते हैं फोर अपन फाइव हमें थ्री नंबर निकालना है तो सबसे पहले हम इसके बीचों बीच में निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे ठीक है तो पहले हम इसका मिडिल पॉइंट फाइन करते हैं वन बार थ्री एंड फोर वन फाइव टू तो हमें फाइनली मिल जाएगा यहाँ पर ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन सेवनटीन अपान ये हो जाएगा थर्टी क्योंकि टू से डिवाइड करेंगे थर्टी हो जाएगा यहाँ मिल गया हमें फर्स्ट वन सेवनटीन अपन थर्टी ओके नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड सेकेंड निकालने के लिए वन अपन थ्री और सेवनटीन अपन थर्टी को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा सेकेंड ठीक है तो मिल गया हमें ट्वेंटी सेवन अपन सिक्सटी दिस वन इज ट्वेंटी सेवन अपन सिक्सटी ना थर्ड वन इन दोनों को ऐड करके सेवनटीन अपन थर्टी और फोर वन फाइव को ऐड करके हम निकालेंगे यहाँ सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें फोर्टी वन अपान सिक्सटी क्योंकि यहाँ टू से डिवाइड करने के बाद सिक्सटी हो जाएगा ये तो हमारा मिल गया यहां पर नंबर थर्ड वन फोर्टी वन अपन सिक्सटी अब हमें इसे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम यहां पर लिख लेते हैं अलग से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर ले, लेना पड़ेगा तो फोर पॉइंट फाइव इज द बिगेस्ट फोर फाइव आफ्टर दैट फोर्टी वन सिक्सटी

हमें इन दोनों के बीच में टू रेशनल नंबर फाइंड करने हैं थ्री सॉरी सो so, uh, सबसे सब पहले हम इसके मिडिल पॉइंट को फाइंड करेंगे दिस वन आफ्टर दैट वी विल फाइंड दिस एंड दिस ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल पॉइंट ऑफ फोर एंड फोर पॉइंट फाइव इज फोर पॉइंट टू फाइव द फर्स्ट वन इज फोर पॉइंट टू फाइव पहला हमें मिल गया है यहां पर रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू नाउ द सेकेंड वन अब सेकंड निकालने के लिए फोर और फोर पॉइंट टू फाइव को एक साथ लेना पड़ेगा और फिर हमें यह पॉइंट मिल जाएगा दिस पॉइंट फोर पॉइंट वन टू फाइव तो दिस पॉइंट इज फोर पॉइंट यह आपका पॉइंट है ओके नाउ द दिस पॉइंट अब हमें यह पॉइंट निकालना है फोर पॉइंट टू फाइव और फोर पॉइंट फाइव को एड करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे नाउ द थर्ड पॉइंट इज फोर पॉइंट थ्री सेवन फाइव ये आपका है दिस पॉइंट तो हमने यहां पर थ्री रेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए नाउ द दिक्स क्वेश्चन इज फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर देखिए थ्री और फोर के बीच में सिक्स रेशनल नंबर निकालने हैं जब सिक्स निकालना हो या सेवन निकालने हो या टेन निकालने हो तब आप मिडिल मिड पॉइंट वाले जो हम पढ़ रहे थे अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को यूज मत करिएगा बल्कि हम कुछ और यूज करेंगे जो कि बहुत सिंपल है और बहुत आसान है देखिए ध्यान से थ्री अपन थ्री और फोर में निकालना है आपको सिक्स नंबर तो पहले आप लिख लीजिए यहां पर कि वी हैव थ्री एंड फोर सबसे पहले चेक करिए कि इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है तो डिनोमिनेटर है इसका वन और इसका डिनोमिनेटर है वन तो दोनों सेम है डिनोमिनेटर तो अब देखिए कि न्यूमरेटर में कुछ डिफरेंस है क्या तो न्यूमरेटर में कुछ कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि थ्री के बाद ही तो फोर आता है अब हमें करना क्या है बस हमें इस वन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ भी मतलब कि डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ करिए यदि डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होगा तो न्यूमरेटर के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा यदि न्यूमरेटर के बीच में जो डिफरेंस बढ़ेगा तो उसी के वजह से हमें रेशनल नंबर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें निकालना है यदि सिक्स तो हम क्या करेंगे कि सिक्स में एक ऐड कर देंगे कितना मिलेगा सेवन हम इस सेवन नंबर से डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में दोनों नंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे 7. तो लेट अस सी व्हाट तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्लियरली हम ट्वेंटी वन अपन सेवन और ट्वेंटी एट अपन सेवन में सेवन जो है डिनोमिनेटर है जो इक्वल है उसके बाद से न्यूमिनेटर में डिफरेंस बढ़ चुका है मतलब ट्वेंटी वन के बाद ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ऐसे काउंट करते करते ट्वेंटी एट आता है ना तो इसीलिए डिफरेंस बढ़ने के कारण हम आसानी से इसके बीच में नंबर्स को लिख सकते हैं जैसे कि ट्वेंटी वन बाई सेवन के जस्ट आगे वाला नंबर जो होगा वो होगा ट्वेंटी टू अपन सेवन उसके बाद जस्ट आगे वाला नंबर होगा ट्वेंटी थ्री अपन सेवन ट्वेंटी फोर सेवन ठीक है अब हम एक्चुअली इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि इसको लिख पाएँ उसके बाद आएगा ट्वेंटी फाइव सेवन आफ्टर दैट ट्वेंटी सिक्स सेवन आफ्टर दैट ट्वेंटी सेवन अपन सेवन और उसके बाद ये जो नंबर था ट्वेंटी एट अपन सेवन ये आ जाएगा तो हमने इन दो नंबर्स के बीच में इसके और इसके बीच में हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं rational numbers. तो सिक्स रेशनल नंबर्स तो दीज आर द सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन ट्वेंटी वन अपन सेवन एंड ट्वेंटी एट अपन सेवन और ये दोनों नंबर्स हैं क्या ये दोनों थ्री और फोर ही तो है बस इसमें हमने मतलब इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं थ्री बाई वन का जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है वो है ट्वेंटी वन अपॉन सेवन तो इक्विवेलेंट का मतलब कि सेम नंबर है कोई डिफरेंस इन दोनों में नहीं है इक्विवेलेंट है दोनों फोर अपन वन का इक्विवेलेंट है ट्वेंटी एट अपॉन सेवन और इनके बीच में रेशनल नंबर्स को निकालने का वही मतलब है जो थ्री अपान वन और फोर अपन वन के बीच में निकालना मतलब ट्वेंटी वन अपॉन सेवन को हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये थ्री अपान वन के बराबर है और यह फोर अपान वन के बराबर है तो दी... क्वेश्चन नंबर सेवन इज फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन थ्री अपन फाइव एंड फोर अपन फाइव तो इन दो नंबर्स के बीच में फाइव रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो जैसे हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर सिक्स में ठीक वैसे ही करेंगे तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले ध्यान देंगे कि डिनोमिनेटर सेम है क्या तो यहाँ पर देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तब देखेंगे कि नोमिनेटर में डिफरेंस है क्या तो थ्री और फोर में तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है इसका मतलब कि हम अभी इस समय कोई भी रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे तो डिनोमिनेटर को इंक्रीज कितना करें कितने से मल्टीप्लाई करें यह पता करने के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ता है कि कितने नंबर्स को निकालना है तो फाइव निकालना है तो फाइव में एक ऐड कर दीजिए कितना मिल जाएगा सिक्स अब सिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में दोनों नंबर्स में आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट सो so, हमें इन दो नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम है अभी भी बस न्यूमिनेटर में जो डिफरेंस है वो बढ़ चुका है तो न्यूमिनेटर में जो डिफरेंस बढ़ा है तो उनके बीच में जो नंबर्स आएंगे उतना अपन थर्टी उतना अपान थर्टी करके हम सबका निकाल लेंगे तो हैंस दी फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस आर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे एटीन अपन थर्टी उसके बाद वाला जो नंबर होगा वो होगा नाइनटीन अपान थर्टी ट्वेंटी अपन थर्टी तो हमने क्या किया है इन दो नंबर्स के बीच में ये फाइव रेशनल नंबर्स फाइंड किए हैं बट यहां पर इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा तो हम आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म वी विल गेट लाइक दिस तो दीज आर द फाइव नंबर्स वी हैव अपटेंड एंड दीज आर फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री वन फाइव एंड फोर फाइव क्योंकि क्वेश्चन नंबर एट इज फाइंड टेन रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस टू अपन फाइव एंड वन अपन सेवन ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे एक नंबर लाइन खींच लेते हैं नंबर लाइन इसलिए होता है कि ताकि हमें सब दिखता रहे कि कहाँ से कहाँ तक हमें मिल मिल गया है और कैसे फाइंड करेंगे ओके देखिए माइनस टू अपान फाइव यहाँ पर नंबर है उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं वन अपन सेवन अब ध्यान दीजिएगा इसमें हमें टेन रेशनल नंबर निकालने हैं सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो माइनस टू वन फाइव लिखिए यहाँ पर उसके बाद वन अपन सेवन तो हम क्या करें कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए तो दोनों का जो एलसीएम है वो थर्टी फाइव होगा तो थर्टी फाइव लाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस टू अपन फाइव में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेवन से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वन अपान सेवन मोटीप्लाई करना पड़ेगा फाइव से नोमनेटर एंड डिनोमिनेटर में तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो टू इंटू यहाँ करना होगा सेवन अपान यहाँ करना होगा फाइव इंटू सेवन तब जाकर के हमें मिल जाएगा इक्वलिटी देखिए वन इंटू फाइव करेंगे और सेवन इंटू फाइव करेंगे तो हमारा ये डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम कर रहे हैं यहाँ मिल जाएगा माइनस फोर्टीन अपान फाइव थर्टी फाइव तो हमने अब कर लिया है ये फाइव पॉइंट थर्टी फाइव तो यहाँ पर देखिए डिनोमीटर अब इक्वल है डिनोमीटर जो इक्वल है तो केवल न्यूमिनेटर में डिफरेंस देखिए तो न्यूमिनेटर में जो डिफरेंस है बढ़ चुका है बिल्कुल ही माइनस फोर्टीन के जस्ट आगे वाला जो नंबर होगा वो माइनस थर्टीन माइनस ट्वेल्व माइनस इलेवन जस्ट इसके आगे हम रखते जाते हैं चलिए फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस दिस एंड दिस इज फर्स्ट होगा माइनस थर्टीन अपान थर्टी फाइव सेकेंड तो मुझे लगता है कि टेन हमने फाइन कर लिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेकिन हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो सो वी विल राइट हियर माइनस थर्टीन अपान थर्टी फाइव एंड माइनस ट्वेल्व अपान थर्टी फाइव में सब आप थ्री से कैंसिल आउट कर सकते हैं सॉरी थ्री से नहीं कटेगा सो एक्चुअली ये उतना ही रखना पड़ेगा तो ये हो गया माइनस ट्वेल्व अपन थर्टी फाइव ओके माइनस इलेवन अपन थर्टी फाइव ये भी ठीक वैसे ही रहेगा यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकता है फाइव से फाइव टू जै टेन माइनस टू अपन फाइव सेवन जै थर्टी फाइव ठीक है उसके बाद माइनस नाइन अपन थर्टी फाइव यहाँ भी कुछ नहीं कटेगा माइनस एट अपान थर्टी फाइव यहाँ भी सेम रहेगा माइनस सेवन अपान ये कट जाएगा माइनस वन अपान फाइव ठीक है सेवन वन जर सेवन एंड सेवन फाइव जा थर्टी फाइव यहां पर देखिए माइनस सिक्स अपन थर्टी फाइव यहां पर कुछ नहीं कटेगा आफ्टर दैट माइनस फाइव अपॉन थर्टी फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा वन से फाइव वन जर फाइव एंड फाइव सेवन जो थर्टी फाइव माइनस वन अपान सेवन आफ्टर दैट माइनस फोर अपन थर्टी फाइव वैसे ही रहेगा तो हमारे ये मिल गए टेन रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस टू अपन फाइव एंड वन अपन सेवन ओके वन अपन टू एंड टू अपन थ्री के बीच में हमें निकालने हैं सिक्स रेशनल नंबर्स तो सिक्स निकालना है तो हमें इसको नंबर लाइन पे दिखाते रहते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि कहाँ से कहाँ तक निकल गया है so, one, सो फर्स्ट वन इसमें से बड़ा कौन है थ्री एंड ये हो जाएगा फोर तो वन अपान टू छोटा है उसके बाद आएगा यहाँ पर ले लेते हैं टू अपन थ्री तो हमें यहाँ पर सिक्स रेशनल नंबर निकालने हैं तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे वन अपान टू एंड टू अपन थ्री देखिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है सबसे पहले इक्वल कर लीजिए इक्वल करने के लिए क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वन अपान टू के न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से और डिनोमिनेटर में भी करेंगे थ्री से यहाँ भी करेंगे वही से ही टू इंटू यहां भी करेंगे टू से और थ्री में करेंगे टू से ताकि डिनोमिनेटर बस इक्वल करना है तो जितना यहां पर न्यूमिनेटर में कर रहे हैं उतने ही डिनोमिनेटर से करेंगे यहां पर क्या आएगा थ्री अपन सिक्स यहां पर आ जाएगा फोर अपन सिक्स देखिए हमने अभी डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया लेकिन जो न्यूमिनेटर में जो डिफरेंस है वो बढ़ा नहीं है इसलिए अब हम क्या करेंगे देखेंगे कि कितना निकालना है तो सिक्स निकालना है जब हमें सिक्स निकालना है तो सिक्स में एक ऐड कर दीजिए कितना आएगा सेवन इसी सेवन से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में अगेन इससे होगा क्या जो डिनोमिनेटर है वह बढ़ जाएगा और जब बढ़ेगा तो न्यूमरेटर भी बढ़ेगा तो न्यूमिनेटर के बीच में डिफरेंस भी बढ़ेगा और इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस आ जाएगा तो उनमें सब नंबर्स को ले लेंगे सिंपल है जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय सेवन वी विल गेट थ्री इंटू सेवन अपान सिक्स इंटू सेवन कॉमा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा फोर इंटू सेवन अपान सिक्स इंटू सेवन तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली जो नंबर्स मिलेंगे मिलेंगे सेवन थी जहा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन अपान सिक्स सेवन जहा फोर्टी टू एंड यहां मिल जाएगा ट्वेंटी एट अपान फोर्टी टू अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर अभी भी इक्वल है बट न्यूमिनेटर में डिफरेंस बढ़ चुका है यहाँ पर ट्वेंटी वन है यहाँ ट्वेंटी एट है तो इनके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनको यहाँ लिख लेंगे देखिए इसके वन बाई टू के जस्ट आगे वाला नंबर होगा ट्वेंटी टू 42 फोर्टी टू उसके आगे वाला नंबर होगा ट्वेंटी थ्री अपन फोर्टी टू नंबर तो ये हमने सिक्स फाइन कर लिया बट इनको अरेंज कर देते हैं एक थोड़ा सा इसको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं तो यहां पर कैंसिल आउट कर लेंगे जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे तो हमें मिल जाएगा जो सिक्स कॉमन सिक्स नंबर बिटवीन वन बाई टू एंड टू बाई थ्री विल बी यहाँ पर कटेगा तो मिलेगा तो हमने फाइन कर लिया सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन वन बाई टू एंड टू बाई थ्री दीज आर दिक्स रेशनल नंबर्स विच वी वर टू फाइंड ओके okay? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए ओके okay? और यदि किसी एक्सरसाइज पर आपको सोल्यूशन चाहिए तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मुझे इस बुक का ये पार्टिकुलर एक्सरसाइज चाहिए जब तक बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपको क्या चाहिए ओके okay? एनी anyway, वे आप यदि यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब कि यू वर इंटरेस्टेड इन दिस एक्सरसाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय